हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इन कुकिंग विद रेखा पहाड़िया। अभी गणेश जी के दिन चल रहे हैं और हम गणेश जी के फेवरेट दूध बेसन के मोदक नहीं बनाएंगे तो हमारे गणेश जी पूरा मान जाएंगे। तो आज हम बनाने वाले हैं गणेश जी के फेवरेट बेसन के मोदक, वो भी बिना किसी मोल्ड के। मोदक बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक कटोरी बेसन, ये दानेदार बेसन है। एक कटोरी दूध, ये ना ही ज़्यादा ठंडा है ना ही ज़्यादा गर्म है, ये उबला हुआ दूध है, ये रूम टेम्परेचर पर लिया है। आधे कटोरी शक्कर, एक चौथाई कटोरी मिल्क पाउडर, जिसे हम दूध का पाउडर भी बोलते हैं। थोड़ा मोटा बेसन इसलिए लिया है इससे कि हमारे मोदक बहुत ही दानेदार बनेंगे। मैंने यहाँ पर एक पैन गर्म होने के लिए रख दिया है। हमारा पैन गर्म हो चुका है, अब मैं इसके अंदर डालूँगी ये दो बड़े चम्मच घी। ज़रूरत पड़ने पर हम घी बाद में और ऐड कर लेंगे, फिलहाल मैं ये दो चम्मच घी डाल रही हूँ। अब हम घी को अच्छे से मेल्ट होने देंगे। देखिए हमारा घी अच्छे से गर्म हो चुका है, हम गैस का फ्लेम मीडियम ही रखेंगे। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी ये बेसन। अब हम इसे अच्छे से हिलाएंगे और इसे लगभग 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। और हमें सिर्फ इसे इतना पकाना, इतना भूनना है जिससे कि इससे इसका कच्चापन जो है वो निकल जाए और इसका कलर भी चेंज ना हो। ये देखिए, इसे बिल्कुल भी चलाते हुए छोड़ना नहीं है, इसे रेगुलर चलाते रहना है। आप देख सकते हैं हमारा बेसन जो है वो भून चुका है, इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू भी आने लगी है और इसका कलर भी चेंज नहीं हुआ है। अब इस स्टेज पर हम इसके अंदर डालेंगे ये दूध। इसमें से मैं 1 से 2 टेबलस्पून दूध बचा लूँगी, ये हमारे बाद में काम आएगा। आप चाहे तो ये सब डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं यहाँ पर 2 टेबलस्पून दूध बचा रही हूँ। अब हम इसे भी अच्छे से हिलाएंगे, गैस का फ्लेम लो कर देंगे। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे ये शुगर। अब हम इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं हमारी शुगर जो है वो धीरे धीरे मेल्ट होने लगी है, हमारा दूध भी सारा एब्जॉर्ब हो गया है। हमें इसे कंटिन्यू चलाते रहना है। ये देखिए हमारी शुगर सारी मेल्ट हो चुकी है। अब इस स्टेज पर हम हमारे मोदक को सुपर टेस्टी बनाने के लिए इसके अंदर ऐड करेंगे ये मिल्क पाउडर। इससे हमारा मोदक जो है वो ऐसा लगेंगे जैसे कि हमने ये मोदक बेसन और दूध पाउडर से नहीं बल्कि मावे से बनाए हैं। मिल्क पाउडर डालने से इसका टेस्ट डबल हो जाता है और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। देखिए मैंने मिल्क पाउडर को भी अच्छे से हिला लिया है, ये अच्छे से भून चुका है। अब सबसे लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे 1 इलायची पाउडर। इससे इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको पसंद नहीं है इलायची का फ्लेवर तो। अब हम इसे अच्छे से हिला लेंगे। हमारा मिक्स लगभग रेडी हो चुका है। अब हम सबसे लास्ट में इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून घी, क्योंकि मुझे इसमें थोड़ी सी और ज़रूरत लग रही है। अब हम इसे भी लगभग 1 मिनट तक और पकाएंगे। ये देखिए इसे 1 मिनट हो चुका है, अब ये पूरी तरह से रेडी हो गया है। अब हम इसे चेक करेंगे कि ये हमारा मिक्स जो है वो सही से बना है या नहीं। इसके लिए हम हाथ में थोड़ा सा मिक्स लेंगे और इसे इस तरह से बांध के देखेंगे कि ये लड्डू की तरह बन रहा है या नहीं। अगर ये बिखर रहा हो तो इसमें हम थोड़ा सा दूध और ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये अच्छे से बन रहा है। हमें इसे बहुत ज़्यादा लिक्विड नहीं करना है, ये परफेक्ट है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और हमारे फिलिंग की तैयारी करेंगे। फिलिंग के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1/2 कटोरी नारियल का बुरादा। इसके अंदर मैं डालूँगी 1 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी। यहाँ पर मैंने लिए हैं कुछ ड्राई फ्रूट्स, इसके अंदर मैंने काजू, बादाम, पिस्ता और किशमिश ली है, आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। अब हम
इन सबको इसके अंदर डाल देंगे। और ये 2 टेबलस्पून दूध जो मैंने उस वक्त बचाया था वो इसके अंदर डाल रही हूँ। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। जब तक हम हमारे फिलिंग की तैयारी कर रहे थे, हमारा मिक्स जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा ठंडा हो गया था, इसलिए मैंने इसके अंदर 2 से 3 टेबलस्पून कुनकुना दूध डाल दिया था। अब ये परफेक्ट है। अब हम इसके मोदक बनाना स्टार्ट करते हैं। हमें थोड़े थोड़ा सा मिक्स हाथ में लेना है और कुछ इस तरह से उसे प्रेस करना है और इसे एक कटोरी शेप देना है। कटोरी शेप देने के बाद हम इसके अंदर ये फिलिंग जो भी हमने बनाई थी वो इसके अंदर भर देंगे और इसे हल्का सा प्रेस भी करेंगे। अब इसे दोनों हाथों की हेल्प से अच्छे से घुमा घुमा के प्रेस करते हुए इसे मोदक का शेप देना है। हम इसे बिना किसी मोल्ड के बना रहे हैं। बिना मोल्ड, बिना सांचे के बनाना इसे थोड़ा सा रिस्की होता है, बिखरने का डर थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसे अच्छे से प्रेस करते हुए बनाएंगे। ये बहुत ही अच्छे बनेंगे बिना मोल्ड के। ये देखिए हमारा मोदक कितना अच्छा बनकर रेडी हुआ है। आप चाहें तो इसे ऐसे ही भी खा सकते हैं, लेकिन हम इसे थोड़ा सा शेप डेकोरेट करेंगे एक फोक की हेल्प से। एक फोक लेंगे और कुछ इस तरह से इसे प्रेस करते हुए इस पर ये लाइंस बनाएंगे। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं, पर हम इसे थोड़ा सा सुंदर बनाने के लिए इस तरह से शेप दे रहे हैं। ये देखिए हमारा मोदक कितना सुंदर बनकर रेडी हुआ है, वो भी बिना किसी मोल्ड, बिना किसी सांचे के। ये बिल्कुल परफेक्ट है। यकीन मानिए आपको ये मोदक बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। आप जैसे ही इसे मुंह में खाएंगे और ये मावे की तरह आपके मुंह में बिखर जाएंगे। अब हम सारे मोदक इसी तरह से बनाएंगे। पहले हम सारे मिक्स की छोटी छोटी लोइयां कर लेते हैं, इस तरह से थोड़ा सा बांध लेते हैं। ये देखिए मैंने सारे मिक्स को इकट्ठा कर लिया है और छोटे छोटे बॉल्स बना लिए हैं। हम सारे मोदक उसी तरह से रेडी करेंगे, कटोरी शेप देते जाएंगे और उसके अंदर मिक्स भरते जाएंगे जो हमने रेडी किया था। ये देखिए ये हमने इसके अंदर फिलिंग डाल दी है। अब हम सेम वही प्रोसेस दोहराएंगे, इसे अच्छा सा प्रेस करते हुए इसका पॉइंट जो है ऊपर बाहर निकालेंगे। ये देखिए हमारे कितने अच्छे मोदक बनकर रेडी हो रहे हैं, वो भी बिना मोल्ड के। ये खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, क्योंकि घी और बेसन का कॉम्बिनेशन वैसे ही बहुत अच्छा होता है। ऊपर से हमने इसको सुपर टेस्टी बनाने के लिए इसमें ऐड कर दिया था मिल्क पाउडर। अब हम सारे मोदक को इसी तरह से रेडी करेंगे। ये देखिए इसे फोक की हेल्प से इस तरह से डिज़ाइन भी देते जाएंगे। ये देखिए मैंने सारे मोदक बनाकर रेडी कर लिए हैं। हमारे मोदक कितने सुंदर बनकर रेडी हुए हैं, वो भी बिना किसी सांचे के। ये दिखने में जितने अच्छे लग रहे हैं, खाने में उससे कई गुना ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। आई एम 100% श्योर अगर आपने एक बार ये मोदक अपने घर में बना लिए तो ये आप दोबारा ज़रूर बनाएंगे। वैसे तो मोदक कई तरह के बनाए जाते हैं, कई तरह की चीज़ों के मोदक बनते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा टेस्टी दूध और बेसन के मोदक होते हैं और ये बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं। और गणेश जी को तो सारे ही मोदक पसंद आते हैं। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको मेरे वीडियो के नीचे एक लाल कलर का बटन दिखाई दे रहा होगा सब्सक्राइब का, आप उसे क्लिक करें। उसके बाद आपके सामने एक घंटी बनी हुई आएगी, आप उसे क्लिक करें ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। अब मैं आपको एक मोदक काट कर दिखाती हूँ। ये देखिए ये अंदर से भी कितने परफेक्ट बने हैं। बेसन के मोदक सिंपल ही बहुत अच्छे लगते हैं। ऊपर से हमने इसमें नारियल और ड्राई फ्रूट्स की फिलिंग डाल दी है, इससे इसका टेस्ट और डबल हो गया है। आप मेरी रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।